हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आज है संडे और सुबह के बज रहे होंगे अभी 4। एंड गाइस, हम निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप पे एंड ये मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप है एंड इसमें अपनी आरसी की जगह ये ट्यूब जा रही है। और गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू मथुरा एंड वृंदावन। सो ये वन डे का ट्रिप है, आज जाऊँगा, कल सुबह आ जाऊँगा। तो अभी बज रहे हैं 4 एंड मेरे साथ जा रहे हैं मेरे एक फ्रेंड, दो फ्रेंड जा रहे हैं एक्चुअली, वो अभी द्वारका मोड़ में मिलेंगे मुझे। सो मैं आपको द्वारका मोड़ में, हमारे साथ जा रही दो बाइक, एक है ड्यूक 250, एक है स्प्लेंडर। तो गाइज, मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं, मीट अमित, जानते होंगे, विजयनाथ ऑन स्प्लेंडर प्लस सुपर स्प्लेंडर। एक हेलमेट एक्स्ट्रा आ गया है, कोई आना चाहता है तो आ सकता है, कोई नहीं, दिक्कत है। चलो, तो अब हम जाएंगे, अभी तो अंधेरा ही है गाइस, 4 बज रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको सीधा हाईवे पे ही मिलता हूँ। तो गाइस, सो फार सो गुड, हमने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया, लेकिन अभी भी मॉर्निंग नहीं हुई ढंग से, क्योंकि अभी टाइम हो रखा है 5:25 एंड अब टोल है, अब यहाँ से सीधा ही जाना है हमको। एंड अभी दिखा रहा है 118 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस। तो वही, अभी थोड़ा ना ब्रेक लेंगे, जैसे मॉर्निंग का अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो ब्रेक लेके जाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 50 किलोमीटर तो ऐसे निकल गया, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग है एंड एनर्जेटिक, रात में नींद भी नहीं आई, इसके चक्कर में मैं तो सोया ही नहीं कि राइड पे जाना है, ट्रिप पे जाना है। और तू भी नहीं सोया होगा, ये भी नहीं सोया, रात को सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं 1 बजे क्या हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही। तो अब ऐसा करते हैं कि अब जहाँ रुकेंगे कहीं पर फूड के लिए, क्योंकि सुबह तो कुछ खा के आए नहीं है, घर से निकल गए हैं 4 बजे। एंड अभी ये फरीदाबाद वाला टोल है, हम क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं गए बिकॉज़ वहाँ लगता है टोल, तो हमारा बजट थोड़ा हिल जाता, क्योंकि आने जाने का टोल मेरे हिसाब से वहाँ है 1460, शायद 465 के आसपास है। चलो गाइज, तो गाइज हम आ चुके हैं सेकंड टोल में एंड अब यहाँ से अराउंड 105 रह गया। हाँ भाई, हाँ हमें पता है आपको भूख लग रही है, हमें पता है, साइड में रोकिए, थोड़ा स्टोरी डालने का टाइम आ गया, हमारा सेकंड टोल आ चुका है। ओ भाई, अभी भी एनर्जी फुल है, फुल एनर्जी है अभी भी। और ये पगला हाफ में आ गया, कहा था इसको जैकेट वैकेट डालियो भाई, क्या ठंड हो रही रास्ते में। तो गाइज, अब मॉर्निंग भी हो चुकी है, उजाला हो चुका है एंड अभी यहाँ हम रुके हुए हैं ढाबे पे, जस्ट अभी देखा तो हमने कहा चलो रोक दिया है, और झूला झूल रहा है, झूला झूलने आया यहाँ पे। तो गाइज, अभी यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट एंड यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, लगभग 70 किलोमीटर्स रह गया हुआ यहाँ से मथुरा, सो वो भी कवर कर लेंगे हम 1 आवर में। क्या हो गया, पैंट तो तेरी पहले से फटी हुई है। अबे ये कैसा लग रहा है, डिलीवरी मैन ऐसे नहीं लग रहा, जैसे डिलीवरी मैन होते हैं, जैसे टाटा स्काई का डिश लगाने आए हो, ये वैसे ही लग रहा है पूरा। चलो आ जाओ, खाना खाते आ जाओ। तो गाइज, खा पी के हो गए डन एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। चलो, फूड अच्छा था, इडली ली थी एंड परांठा। अब सीधा चलते हैं गाइज, ज़्यादा दूर नहीं है और हमने यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम लगा लिया, कम से कम हाफ एन आवर। चलो, हाफ एन आवर हो गया होगा ना अंदर बैठे बैठे। चलो जी, कान्हा जी के दर्शन करने अब सीधा। अब थोड़ी ठंड भी कम लगेगी क्योंकि मौसम हो चुका है बेहतरीन एंड अभी टाइम हो रहा है 7:20। सो लगभग हाफ एन आवर, इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 45 मिनट्स में हम मथुरा पहुंच जाएंगे। एंड अभी प्लान्ड कुछ है नहीं कि सबसे पहले कहाँ जाना है, बट अब मथुरा एंड वृंदावन में तो बहुत सारी लोकेशंस है घूमने के लिए, सबसे पहले वहाँ जाके हम
होटल बुक करेंगे। होटल वैसे मैंने देख रखा है, अभी वहाँ जाकर पूछेंगे कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है। और हमारा आज का रूटीन ये है कि आज हम पूरा मथुरा एक्सप्लोर करेंगे और वृंदावन भी, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कल सुबह की मॉर्निंग में हम वापस चले आएंगे। टोल आ गया गाइज, मेरे को पता नहीं, वैसे आइडिया नहीं कितने टोल आते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से यूपी का होगा क्योंकि अभी तक हम हरियाणा में थे। सो नाउ पलवल से आगे थे अभी हम थोड़ा सा, अब मेरे को लगता है हम यूपी में एंटर कर चुके हैं तो यूपी का ही टोल होगा। So let's go, boys. सुन ली यार, मैंने कहा हेलमेट नहीं है भाई, भाई ने अभी अभी हेलमेट लगा दिया एंड ये जा रहा आपको घर से रेलवे ट्रैक हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मिनिमम लगेगा अभी मेरे हिसाब से 45 और मैक्सिमम 1 आवर मान लो। तो अभी तो है 50 किलोमीटर लेफ्ट एंड हाईवे अच्छा है, काफ़ी गुड हाईवे है। थोड़ा ट्रैफिक है ट्रक्स का बिकॉज अभी मॉर्निंग है ना। और ये देखो मस्त बगल से जा रही है अपनी रेलवे ट्रैक। और यार मेरे को रेलवे ट्रैक से बहुत प्यारा, पता नहीं क्यों बड़ा ही मस्त लगता है मेरे को रेलवे ट्रैक एकदम मस्त। अपना कोई है ही नहीं ट्रेन के अलावा, जैसे हाईवे में तो कितने सारे बाइक कार गाड़ी पर ट्रेन ही चलेगी तो स्पीड में, और क्वाइट गुड स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। 70 भी नहीं ले जा रहे क्योंकि अपना जो पीछे स्प्लेंडर वाले भाई साहब हैं हमारे, स्प्लेंडर जाती तो है। ओहो भाई ये तो लगी जोश में भी एकदम से टेक ओवर करते हुए जा रहा है अभी तक। हाँ अभी इसमें टेक ओवर किया है मैंने, क्योंकि कहने स्प्लेंडर अगर ज़्यादा स्पीड में चलाओगे ज़्यादा देर तक तो वाइब्रेट तो करती है ही गाड़ी 80 के पास, फिर इंजन भी थोड़ा हीट हो जाएगा, इसलिए हम इसकी वजह से 60-70 क्वाइट गुड क्योंकि हल्की स्पीड में ही जाना चाहिए भाई। आराम आराम से जाओ, छोटी सी तो राइड है मतलब ट्रिप छोटा ही है। वैसे तो मेरा फर्स्ट ट्रिप है लेकिन उतना दूर नहीं जैसे हिमाचल हो गया उत्तराखंड हो गया, बट है भाई 180 किलोमीटर है बस, काफ़ी है। अभी तक तो वही पेन थकान कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी घर जाके होगा या फिर अभी, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल ही इतनी ज़्यादा है हम लोगों की तो ना नींद आ रही है ना थकान हो रही है। सो गाइस हम मथुरा सिटी पहुँच चुके हैं एंड अब डिसाइड करें जाना खाएं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही जगह जाने के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि 2.5 किलोमीटर, तो
तो गाइस सबसे पहले तो मैं जन्म मूवी ही देखने जाऊंगा क्योंकि बहुत समय इसके बारे में अभी देखा है रिएक्शन के बाद। तो जन्म मूवी पाकिस्तान चलते हैं सबसे पहले, और वहाँ पर यार कैमरा क्या फ़ोन तक अलाउ नहीं है, तो गाइस मैं अंदर तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। एंड अंदर क्या मैं जितने भी टेम्पल्स हैं मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा में यही होगा कि कैमरा अलाउ नहीं होगा एंड फ़ोन अलाउ नहीं होंगे प्रेम मंदिर को छोड़ के। सो जितना हो सकेगा मैं शूट करूँगा, बट ये नहीं कि ज़बरदस्ती शूट करूँ छुपा के, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसमें अलाउ होगा उसमें मैं शूट कर पाऊँगा, जिसमें नहीं होगा वो मैं शूट नहीं करूँगा। सो यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, वो ये सब जॉब्स ये सब वो है ना रियल इस्टेट वाले बंदे सब जॉब के लिए रुके हुए हैं। जस्ट जॉकिंग सो यार गर्मी तो हो रही है, सुबह लग रही थी ठंड, अब हो गया टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि अब टाइम कितना हो गया है 9:20 हो चुके हैं अभी ये हाल है, और 2 तो पता नहीं क्या हाल होगा यहाँ का। एंड अभी देखते हैं जन्मभूमि वाला टेम्पल क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कैसे लोग हैं यूपी में इतने स्लो मोशन में साइकिल चला रहे हैं, कितने तो विदाउट हेलमेट मैंने हाईवे पे देखे हैं। वाओ तो गाइस पहुंच तो गए हैं, आप पार्किंग देख रहे हैं, बाइक कहाँ डालनी है आगे कह रहे हैं। अच्छा तो गाइज मैं ऐसा करता हूँ आपको दर्शन लेने के बाद ही मिलता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये लास्ट है, यहाँ से फिर फ़ोन एंड कैमरा एवरीथिंग सबमिट हो जाएगा, सब कुछ हेलमेट वेलमेट ले रखे लेंस यहाँ का कुछ माहौल अभी ऐसा है, इसके बाद फिर सब कुछ सबमिट हो जाएगा। और भाई धूप तो बहुत तेज़ हो रही है अभी से, एंड अभी चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, फर्स्ट टाइम है देखते हैं कैसा है। इसके बाद तो फ़ोन वोन जमा हो जाना है, अच्छी भी बात है, बट अंदर दिखा नहीं पाऊंगा तो चलते हैं फिर अंदर चलो। भाई क्या धूप है भाई, बहुत धूप बहुत। तो गाइस दर्शन कर लिए हमने आकर, एंड बहुत ही मज़ा आया दर्शन करने, एकदम मस्त मज़ा आया। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट कहाँ है, यमुना घाट, ज़्यादा दूर नहीं, यमुना घाट चलते हैं, 2 है, और गोवर्धन पर्वत है 22 किलोमीटर। हाँ 22 किलोमीटर है, तो क्या करना है, यमुना घाट चलते हैं। चलो चलो गाइस यहाँ से हम यमुना घाट चलते हैं, एंड फिर आपको मैं भी बताऊँ क्योंकि यहाँ आ रखे हैं क्या है गोवर्धन पर्वत। और भाई क्या गर्मी है यार, क्या गर्मी है, मतलब बाहर का देखो रोड देखो भाई साहब, हालत बिल्कुल ही ख़त्म है भाई, लोग कर रहे नहीं किसी भी भाई साहब, इसकी हालत देखो ला भाई खतरनाक ऑफ रोड भाई, क्या यूपी की रोड है भाई, बिल्कुल ही नहीं बनी खचड़ी है, गलत बाइक ले भाई, हमको GS लेके आनी चाहिए थी BMW की, वो भी इतनी एक्सट्रीम भाई मैं क्या बताऊँ। तो अभी देखते हैं ऐसे क्या करना, वापस जाना है वापस जाएंगे, नहीं तो गोवर्धन पर्वत घूम के आएंगे, नहीं तो दिमाग की बिल्कुल सही हो गया, इतनी ख़राब रोड समझ गया। तो चलो भाई साहब मैं या तो होटल में मिलूँगा आपको सीधा, या फिर गोवर्धन पर्वत। तो गाइस फाइनली हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं, एंड आपको मैं अपना रूम टूर देता हूं। भाई बाहर क्या गर्मी है यार, थका था तो कोई शूट नहीं कर पाया सीधा। हाँ तो मैं भी दूंगा ना रूम टूर अंदर से। हाँ तो मैं क्या कहता, क्या गर्मी थी तो शूट नहीं कर पाया। तो गाइस मैं अपना रूम टूर देता हूं और उसके बाद ब्लॉग एंड कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा, उसके बाद जो शाम का प्रेम मंदिर गया तो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो मैं आपको रूम टूर देता हूँ स्टार्टिंग से। तो गाइस ये है रूम की एंट्री 606, एंड दिस इज़। तो गाइज ये है लिविंग रूम, एंड यहाँ चल रही भागम भाग, एंड ये अपना सामान रखा हुआ है अभी क्या है, और AC फुल चिल में है, और भाई क्या रूम है देखो, एंड सबसे बेस्ट बेस्ट टेंटन व्यू पॉइंट टेंटन, ये अपना व्यू पॉइंट है, ये अपना बेड बन सकता है, वैसे सोफ़ा है बेड भी बन सकता है, ये अपने टेबल है जिसमें हमने अपने हेलमेट्स रखे हुए हैं, एंड दिस इज़ आवर फ्रिज ओपन। अबे खुलता नहीं है क्या, अच्छा अच्छा साइड से खुलता, राइट साइड से, ओके। एंड दिस इज़ आवर किचन, बट नो नीड किचन, दिस इज़ आवर रूम, वाह यहाँ पर भी AC चल रहा है, ये भाई एक रूम है अपना ऐसा।
और यहाँ से भी शायद यहाँ का व्यू मैंने चेक नहीं किया अभी। वो यहाँ से भी व्यू है एंड दिस इज़ मी। बहुत थका हूँ यार, फिर भी एक लास्ट बारी रूम टूर देता हूँ, फिर ब्लॉग एंड करता हूँ यार। एंड ये है अलमारी, या अलमारी, एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम एंड बाथरूम। दिस इज बाथरूम है, छोटा है यार थोड़ा, ये चीज़ ना, ये चीज़ मेरे को थोड़ा छोटा लगा यहाँ से। बाकी सब तो एकदम मस्त है, ग्रेट है, ये बड़ा दिल का, बट ये छोटा है। सो ये है बाथरूम, दिस इज़ आवर लिविंग रूम, इसको भी बंद करो। एंड अभी मस्त यहाँ चिल मार रहे हैं, और तीसरा बंदा अपना अभी गया लंच देखने के लिए। सो ये रूम का कॉस्ट हमको पड़ा है 5000 रुपीज़, एंड मेरे हिसाब से ठीक ही है 5000, ठीक है, बेस्ट है। मतलब व्यू भी आ रहा है मस्त, दो साइड व्यू है, टू साइड व्यू है, एंड ये बालकनी ओपन भी होती है, बट अभी बाहर बहुत गर्मी हो रही है, आपको रात में दिखाऊंगा। एंड मस्त फ्रिज भी है यार, और क्या चाहिए, किचन भी है, टेबल भी है, सोफ़ा कम बेड भी है, लिविंग रूम भी है। तो गाइज यार बहुत टाइट होंगे, मैं इस ब्लॉग को करना ये नेक्स्ट ब्लॉग होगा, अभी क्या थोड़ी देर में रेस्ट लेके ही बनाऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग को।